स्वागत है आपका अखंड भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ आरके शुक्ला। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। श्री डांडा नागराजा मंदिर समिति द्वारा गायक मुकेश अहत की सुरली आवाज में तथा श्री सुभाष चंद्र देशवाल जी को मार्गदर्शन में श्री डांडा राजा मंदिर के प्रांगण में पौड़ी क्षेत्र के सभी लोगों को भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद दिया और बाहर में आने का न्यौता भी दिया है। आइए देखते हैं। इसके बाद हमारी टीम ने देवप्रयाग की प्रकृति की सुंदरता का जायजा लिया। आगे देवप्रयाग बनने वाला मेट्रो स्टेशन जो लोगों को काफ़ी उत्तराखंड से जोड़ेगा, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। आइए देखते हैं उसकी भी एक रिपोर्ट। अब अखंड भारत की टीम आपको दिखा रही है देवप्रयाग का भावी रेलवे स्टेशन। देखिए, पूर्ण रूप से ये तैयार हो गया है और जैसा भारतीय सरकार कह रही है कि 2024 तक हम इसको इस पर रेल यहाँ से चालू कर देंगे, जो आगे श्रीनगर तक जाएगी और उसका और इधर ये देवप्रयाग के एक संगम का भव्य नज़ारा हमारी टीम आपको दिखा रही है। देखिए, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अखंड भारत को। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।